हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th में है तो आपका इंग्लिश में ग्रामर पार्ट में आपका ये क्वेश्चन जरूर आता है जो कि आपका छांकों का होता है। यहाँ पर आप प्रश्न को देख लीजिए, ये क्या होता है आपके ग्रामर पार्ट में रहेगा और छांक आप बहुत आराम से पा जाएंगे। पहले आप देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन आएगा तो कहाँ पर रहेगा, कैसे समझेंगे, ये चीजें देख लीजिएगा। आपको ये बीच में रहेगा, वही ग्रामर पार्ट में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या क्या लिखना होता है ये चीजें जरूर समझना चाहिए आपको। यहाँ पर आपको समझने के लिए हम कुछ चीजें समझा रहे हैं। जैसे देखिए, इसमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स होता है, पैराग्राफ में, और रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल, आप इनमें से कुछ भी आपको एक करना होता है। यानी कि आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है, इसमें आप राइटिंग करिए, आर्टिकल राइटिंग करिए, रिपोर्ट राइटिंग करिए, मतलब एक आपको काम करना है। कुल मिलाकर के आपको उसमें सहायक बिंदु दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? सहायक बिंदु दिए जाएंगे, और इन बिंदुओं की सहायता से आपको 80 से लेकर के 100 शब्दों में लिखना होगा। कितने शब्दों में? 100, 80 से लेकर 100 शब्दों में लिखना है, वर्ड्स में, यानी 80 से लेकर 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। यहाँ पर लेख आपको जो लिखा जाएगा, जो आपका समझ लीजिए ऐसे है। क्या है ये? ऐसे, जैसे पहले ऐसे होता था तो ऐसे है ही, ये ऐसे का एक रूप ही है, तो ऐसे जो होता है यही है आपका ऐसे। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो आपको रिपोर्ट राइटिंग और आपका आर्टिकल राइटिंग, इन सब पर चर्चा करते हैं और कैसे करना है सारी चीजें यहाँ पर बताते हैं। छांकों का आपको मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा, छांक आपको मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से हो सकता है, ये चीज पहले देख लीजिए। क्वेश्चन का लेवल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ रिपोर्ट राइटिंग। सबसे पहला काम क्या है? रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या बोला जा रहा है कि आपको काम क्या करना है, यहाँ पर जो प्रश्न बोला जाएगा उसको पहले पढ़िए कि आखिर प्रश्न क्या है। बोला जाए राइट रिपोर्ट ऑन फॉलोइंग, मतलब आपको एक रिपोर्ट करना है, इस पर रिपोर्ट लिखना है। और रिपोर्ट लिखना है किस पर? बोला जाए कि यू आर मंदाकिनी एंड मदन। अगर आप एक मदन या हो या मंदाकिनी हो, अगर आप एक गर्ल है तो आप मंदाकिनी है, और अगर आप एक बॉयज है तो मदन है। मान लीजिए आपने ये है और आप काम कहाँ कर रहे हैं, स्टॉप रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्टर के पद पर आप आसीन हैं, तब आपको क्या करना है, यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर इंसिडेंट ऑफ ए डिलाइट रॉबरी। आपको एक रिपोर्ट लिखना है और उस पर रिपोर्ट आपको आस्क करना है कहाँ पर एक इंसिडेंट जो कि आपकी रॉबरी हुई है। एंड इनमेट्स वर प्रेजेंट इन ए हाउस इन ए आउटस्कर्ट ऑफ यूपी, राइट ए रिपोर्ट अबाउट, मतलब आपको रॉबरी के बारे में पूरा रिपोर्ट तैयार करना है कि घर में आपका ये सारी रॉबरी हुई है और वहां पर प्रेजेंट में आपका कैसा कैसा है वर्तमान में, वो सारी चीजें हालात आपको बताना है, रिपोर्ट लिखना है। तो आप कैसे रिपोर्ट लिखेंगे, खुद सोचिए कि आप एक रिपोर्टर हैं तो आप कैसे लिखेंगे उसके बारे में। यही आपका एक ऐसे समझिए, चाहे आप रिपोर्ट लिखिए चाहे आप आर्टिकल लिखिए, पर आपको लिखना तो पड़ेगा, तभी तो आप छांक पाएंगे। तो जरूर एक बार समझिए इसको कैसे समझना है। हम क्या करते हैं, हमें लिखना है कि ए डेलाइट रॉबरी, आपका मतलब एक रॉबरी के बारे में यहां पर आपको एक पूरा हाईलाइट करके लिखना है। जैसे कि क्या हो रहा है कि लखनऊ यूपी 4 जून, मंदाकिनी स्टाफ रिपोर्टर टीओ आई, यहाँ पर मंदाकिनी है मतलब एक गर्ल है, वो अपना रिपोर्ट तैयार कर रही है और यहाँ पर पूरा का पूरा आपको उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है कि बोला जा रहा है कि ए डेयरिंग डिलाइट रॉबरी अकर टूडे इन द हाउस ऑफ सीएच सूरज सिंह एट अबाउट 2 PM आफ्टर लंच। द इनमेट्स वर एंजॉइंग देयर आफ्टरनून सिस्टर व्हेन ए ग्रुप ऑफ मास्कड यंग मैन एंटर्ड द हाउस फ्रॉम रूफ टॉप, मतलब वो कुछ काम कर रहे थे, मतलब लंच करने के बाद अपना एंजॉय कर रहे थे आफ्टरनून, तो वहां पर उसके बाद कुछ मास्कड मैन आते हैं और वहां पर उसके रूम में उसके हिल जाते हैं, उसके छत के टॉप पर आते हैं और रूम में एंटर करते हैं। इसे कुछ भी आपको सूचना बनाना है। मतलब बोला जा रहा है कि एट फर्स्ट दे शट ऑल द डोर्स एंड फ्रॉम आउटसाइड बोल्टेड द मेन गेट फ्रॉम विद इन, और सभी गेट को बंद कर दे, मेन गेट भी बंद कर दिया जाता है, डोर को भी बंद, दरवाजे को भी बंद कर दिया जाता है। दे कट आउट द टेलीफोन कनेक्शन एंड दे पॉइंटेड देयर गन एट द चेस्ट ऑफ सी एच सूरज सिंह। सूरज सिंह का जो घर है वहां पर जैसे एंटर किए तो उसके बाद वो क्या करते हैं, सारे टेलीफोन के कनेक्शन को काट देते। एक बनावटी आपको रिपोर्ट तैयार करना कि ऐसे रिपोर्ट बनाना है कि रॉबरी डाकू आपका चोरी हो रही है तो कैसे कैसे उसमें रिपोर्ट, तो क्या करता है टेलीफोन कनेक्शन काट देते हैं, उसके बाद आपका सारी चीजें बंद करने के बाद खिड़कियां दरवाजे सारे बंद कर देते हैं। तो वहां पर गन के पॉइंट पर उसके सीने पर, कहने का मतलब चेस्ट पर, उसके गन को रख देता है किसके, आपके जो सूरज सिंह है उनके। तो और बोलता क्या है, डिमांडेड द कीज ऑफ द सेफ आलमीराज एंड बॉक्सेज वेन फैमिली ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट
सर्वेंट कैश एंड वैल्यूएबल एंड अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वर कैप्स। बोल रहा है कि आप कीज दीजिए जहां पर उनका कीज पूरा सामान रखा हुआ, जैसे कि आप घुस रहे पैसे या तमाम इंपॉर्टेंट चीजें, कैश हो कुछ और भी बहुमूल्य चीजें हो, वहां पर उनका कीज वो लेने लगा बॉक्सेज का। तो इस तरीके से द हेड ऑफ द फैमिली वर हेल्पलेस एंड हैड समिट अकॉर्डिंग टू वर्जन रॉबर्स डिकम्ड विद ऑल द कैश एंड ज्वेलरी दे कुड लेज हैंड्स ऑन ए सडन नॉक्स एंड द मेन गेट एंड बाय द पोस्टमैन मेड द रॉबर्स बीट ए हेस्टी रिट्रीट एंड थैंक यू देयर वॉज नो लॉस ऑफ लाइफ पर्सनल रिवरी एंड अज्यूमे डू वन ऑफ द मोटिव बिहाइंड द क्राइम। कुल मिलाकर के एक रिपोर्ट आपको तैयार करना कि डाकू लोग चले गए ऐसा ऐसा करके नुकसान, और बहुत ज्यादा जो मैन थे उसको नुकसान नहीं पहुंचा, ऐसे ऐसे आपको एक रिपोर्ट देना। तो समझ गए कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करना। रिपोर्ट कई तरीके की हो सकती है। यहाँ पर देखिए ये रिपोर्ट थी आपका रॉबरी के बारे में। इसके बाद में कुछ रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा करने चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर आपका अगला रिपोर्ट है, देखिए तो अगला रिपोर्ट है इस तरीके से। यहाँ पर यह है आपका यू आर श्रावण शोभा एंड एंथोनी सेकंड गर्ल्स स्कूल प्रयागराज एंड स्कूल हैज जस्ट सेलिब्रेटेड सिल्वर जुबली एंड कंपटीशन आपका है क्या होप इज मेरिटरियस सर्विस। मतलब कुल मिलाकर के आपको एक फंक्शन के बारे में और एक आपका सिल्वर जुबली है उसके बारे में स्टेबलाइज करना है, जाने वहां पर बहुत सारे लोग कुछ भी आपको प्रिपेयर करना हो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कैसे कैसे है इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा बोला जाए कि आपको रिपोर्ट कहाँ तैयार करना है, बोला जा रहा है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन एनुअल फंक्शन। क्या एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल इन 60th anniversary द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन जिसे व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड एंड प्रिपरेशन एंड गेम्स एंड रिपोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम। यहाँ से ऐसे आपको हिंट दिए जाएंगे, आपको रिपोर्ट जैसे तैयार करना होगा। यहाँ पर भी देखिए त्यौहार था आपका, बोला जा रहा है कि कदम्बरी रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द विटनेस ऑफ आपका वी आर आई टोटल। मतलब आपको इस तरीके से रिपोर्ट बनाना होता है। अभी और क्वेश्चन पर चलते हैं तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से रिपोर्ट और है। यहाँ पर आपका ये रिपोर्ट है, यहाँ पर भी रिपोर्ट बोला जा रहा है कि योर स्कूल सेलिब्रेट लाइब्रेरी वीक एज द हेड बॉय हेड गर्ल्स योर स्कूल राइट रिपोर्ट ऑन टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल न्यूज लेटर। इस तरीके से यहाँ पर भी एक आपका है रिपोर्ट क्या है ऑन वन डे क्रिकेट मैच एंड प्लेड योर स्कूल एग्जाम्पल में कमला नेहरू विद्यालय एक एग्जाम्पल बोला जा रहा है कि अगेंस्ट एसी आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अमेठी कुछ ऐसे आपका बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बोला जा रहा है कि आपका एक वन डे क्रिकेट है और किनके किनके बीच में आपके स्कूल का नाम यहाँ पर और एक सेकेंडरी स्कूल है वहाँ अमेठी का उसके स्कूल के बारे में यहाँ पर बोले, तो वन डे क्रिकेट मैच के बारे में यहाँ पर रिपोर्ट बनाया जा रहा है। और यहाँ पर ये तारीख को कि वन डे क्रिकेट मैच एंड प्लेड बिटवीन कमला नेहरू विद्यालय एंड एसी आपका गेंगुली सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमेठी एट द नेशनल स्टेडियम स्टरडे। कुछ इस तरीके से रिपोर्ट करना। रिपोर्ट की बात समझ गए, आपको रिपोर्ट हो गया। रिपोर्ट के बाद चलते हैं और आखिर के, अगर आप ये रिपोर्ट नहीं बना पाते हैं तो क्या बनाएंगे उसको देखना है। इसके बाद आपका क्या आता है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितने रिपोर्ट्स हैं ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करना है कुछ आपका जैसे ऐसे होता है ना उस तरीके की रिपोर्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बोला जाए कि यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर दें ताकि अगर राइट ए रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन इन योर विलेज और सिटी अबाउट 80-100 words। हिंट दिया जाएगा, हिंट आपको दिया जा रहा है कि प्रिपरेशन के बारे में बताना है, लाइटिंग के बारे में बताना है, वर्शिप टू गॉडेस के बारे में बताना, लक्ष्मी गणेश के एंड फायर वर्क्स एंड क्रैकर्स साइलेंस एट पीएम इतना रोड्स एंड पार्क्स लुक एट डर्टी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के टाइम पे कैसे कैसे होता है, सारे हिंट दिया जा रहा है। इस हिंट के बारे में आपको फेस्टिवल दिवाली यानी दीपावली के त्यौहार के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो आप जो जो भी हेडिंग यहाँ पर दी गई उससे रिलेटेड टॉपिक पे मतलब अभी उसी चीज पे बताना है, जैसे नेम ऑफ द फेस्टिवल, नेम द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड प्रिपरेशन द फेस्टिवल, मतलब उसी टाइप पर आपको बना देना है। टोटल हिंट आपको दिया जाएगा, तो ये भी आपका आर्टिकल में ही उस रिपोर्ट में भी आपका भी आ जाता है। तो रिपोर्ट आपका ये होगा, यहाँ से आपका इस तरीके रिपोर्ट आपका ऐसे टाइप होता है। देख लीजिए यहाँ पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऐसे होता है, तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद अगर आप ये नहीं करते हैं तो और करके बोला गया, क्या बोला गया है और करके, यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल राइटिंग, मतलब आपको आर्टिकल राइटिंग करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको रिपोर्ट राइटिंग नहीं आती तो आपको आर्टिकल राइटिंग आनी चाहिए। दो में से एक काम करना है, आर्टिकल राइटिंग या आपको रिपोर्ट राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में देखिए क्या क्या चीजें होती हैं, इसको हम दिखा देते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आर्टिकल राइटिंग है,
यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ इस तरीके से कि एजुकेशन शुड नॉट अलाउ टू डिस्क्रिमिनेशन ऑल द चिल्ड्रन हैव द इक्वल राइट्स ऑफ एजुकेशन एट बी फाइंड दैट मेनी फैमिलीज गर्ल्स आर नॉट गिवन द एजुकेशन दे डिजायर टॉकिंग हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड योर ओन आइडियाज राइट एन आर्टिकल बोला जा रहा है ना राइट एन आर्टिकल आर्टिकल अबाउट 80-100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड। यहाँ से बात को पकड़ना है, देखिए कहाँ से आपको पकड़ना है, यहाँ ध्यान दीजिए। बोला जा रहा है कि आपको राइट एन आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल के ना 80 में, और यहाँ कॉमा लगा के लिखा हुआ है, यहाँ से आपका काम लगेगा द इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड, यही बोला, और इसी पर आपको आर्टिकल लिखना है, मतलब एक निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी बोला जा सकता, अगर उस तरीके नहीं, इस तरीके से बोला जा सकता राइट एन आर्टिकल ऑन गर्ल्स एजुकेशन, तो गर्ल्स एजुकेशन पर ए लाइफ ऑफ डेवलपमेंट, लाइफ लाइन ऑफ डेवलपमेंट के लिए बार, तो आपको यहाँ पर एक निबंध समझ लीजिए लिखना है, दोनों निबंध ही है समझ लीजिए, और कुछ भी नहीं है, ऐसे है, कहने का मतलब वर्णात्मक होते हैं, समझ ही रहे हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया, दूसरा आपका हो गया, फिर चौथा इसी तरीके से यहाँ पर आप देख लीजिए आपका डिवेल्यूएबल ऑफ वैल्यूज एंड फिटनेस ऑफ मेन, या इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपका, ये कंप्यूटर के बारे में हो गया, कंप्यूटर है मून ऑफ एंड वेन एंड माई स्कूल लाइब्रेरी, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। तो आपका यहाँ पर कहने का मतलब आपका आर्टिकल ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल के रूप में आपका मिल जाएगा, तो आपका यहाँ पर 11 नंबर आर्टिकल देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर है कि आपको टॉकिंग क्लूज गिवन बिलो राइट इन आर्टिकल ऑफ यूज एंड मिस यूज ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का यूज यानी मिस यूज के बारे में लिखना है, या इस तरीके से बोला जाता है कि राइट एन आर्टिकल ऑन द यूजफुलनेस ऑफ मोबाइल, यूजफुलनेस ऑफ मोबाइल, तो फोन अ कॉन्टैक्ट, गूगल सर्च, इंटरटेनमेंट, शॉपिंग, इस तरीके होगा, और एब्यूजेज मिस यूजेज ऑफ मोबाइल फोन यानी साइबर क्राइम्स, हेल्थ हजार्ड, इस तरीके से आपका ये मिसयूज होता है, टोटल कहने का मतलब ये निबंध होता है। तो आप बात को समझ गए कि आखिर ये क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको कैसे होता है। इसके बाद आपका और करके लिखा रहता है, तो या तो आपको वो करना है, या तो आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग करना है, सीधा सीधा जो बोलते हैं निबंध, एसेज, तो आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कर देना है, कंपोजिशन जिसको बोलते हैं निबंध समझ लीजिए, ये भी है आपका, एन आइडियल टीचर, माई इंडियन टीचर एंड माई बेस्ट टीचर एंड माई क्लास टीचर, माई गुड टीचर एंड द रेलवे कुली, इस तरीके से निबंध आपको पता है पहले से ही पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आपको एसेज तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए माई इंडियन फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, माई इंडियन फॉर्मर, तो आपको बेस्ट फ्रेंड पर तैयार कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत बार पूछे जाने वाला है। उसके बाद आप यहाँ पर है माई स्कूल एर कॉलेज, माई आइडियल स्कूल एंड द प्रिंसिपल स्कूल, प्रिंसिपल पर मत याद करिए, स्कूल पर याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर बहुत सारे निबंध होते हैं, तो आपको हम बताने वाले थे कि आपको ऐसे निबंध कहा करें, मतलब तो आपको सीधा सीधा निबंध तैयार करने का, और लास्ट में आपको क्या करना है, आपको यहीं पर आपको लिख देना है, किस पर लिखना है आपको पता ही है, यहाँ आपको लिखना है पैराग्राफ राइटिंग पर, किस पर, पैराग्राफ राइटिंग पर, और लास्ट वाला कर देना है, बस आपका काम हो जाएगा, 6 अंक आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब आपको पता हो गया कि आपको 3 में से आपको करना है केवल केवल एक करना है, यानी कि आपको यहाँ पर पहुँचते हैं हम, तो यहाँ पर समझिए हम बताने वाले, ये जो दिख रहा है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग, तो आपको ये करना है, आपको चाहे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग कर लीजिए, चाहे रिपोर्ट राइटिंग कर लीजिए, या आर्टिकल राइटिंग कर लीजिए, तो आपको जो भी आता है वो करिए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग जो ऐसे पहले होता था, पहले समय में आप सुने होंगे ऐसे होता है, वही समझ लीजिए ये ऐसे है, कंपोजिशन है, इसलिए आप समझ। तो आशा करते हैं वीडियो को मैंने हिंट दिया कि आपको ये क्वेश्चन कहाँ पर मिलेगा, ये आपको बीच में ग्रामर जब इंड होने लगे उसी बीच में रहेगा आपका आर्टिकल और ये क्वेश्चन रहेगा, तो आपको समझ लेना है। पेपर बाकी मैं दिखाऊंगा, इंग्लिश का पेपर मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, लेकिन मैं लेकर के आऊंगा। साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैराथन क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ऑन साइट वीडियो में, ऑब्जेक्टिव सभी पार्ट के साइंस के दे रहा हूँ, उसके साथ ही साथ उसका आपका लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन ऑन साइट दे रहा हूँ, टोटल हमारे चैनल से स्टे हो जाइए, पूरा का पूरा आपका पेपर आने से पहले पार्ट आपको फिनिश कर देंगे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो, और मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मास्टर जिम वर्ल्ड टेक चैनल का, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, और हमारे फेसबुक चैनल का पेज भी डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को, वहाँ पर भी ये सारी वीडियोज वहाँ पर मिलती है, अगर आप यहाँ नहीं पाएंगे तो वहाँ पा जाएंगे, इसलिए जरूर आप वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी टेक्नो प्लस हिस्ट्री आपको पेज मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। ओके सर वॉचिंग, और जरूर सपोर्ट करिएगा, कमेंट भी करिएगा, सर ऐसे आप मैटर बता दीजिए कौन कौन सी चीज़ें आप हमारी मिलेंगी और कैसे तैयार करना होगी, तो इसको आप तैयार कर लीजिए, 6 अंक में आप जरूर, कम से कम अगर आप एकदम बहुत कम लिखेंगे ना तब भी आप 4 अंक पा जाएंगे। ठीक है, चलिए अगली वीडियो मिलते हैं।